तो साथियों अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के पांडेहाता में है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी होलिका दहन उत्सव समिति का आयोजन किया गया था, वहाँ पे शिरकत करने आए हुए थे। पांडेहाता से जुड़ी हुई होलिका उत्सव समिति के आज के शोभा यात्रा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे श्री सतुआ बाबा महंत संतोष दास जी, होलिका दहन समिति के अध्यक्ष श्री विपिन पटवा जी, संरक्षक उमाशंकर पटवा जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष गुप्ता जी, पूर्व पार्षद श्री रामभुआल कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज की शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पिछले 97 वर्षों से ये शोभा यात्रा पांडेहाता से नगर के विभिन्न भागों को होते हुए होलिका दहन के इस कार्यक्रम को सत्य न्याय और धर्म की विजय को इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत सुनिश्चित है। और इसी संकल्प के साथ भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है और परिणाम है स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज एक ओर हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का दिन है, लेकिन भक्त प्रहलाद की सफलता और ईश्वरीय अवतार के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में भी हमें इस महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे पर्व और त्योहार सौहार्द के, शांति के, समता के प्रतीक होने चाहिए और यही संदेश भी देता है होली। होलिका दहन समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उन्हें आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं, होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर लंबे समय तक होलिका दहन समिति का नेतृत्व करने वाले श्री ओम प्रकाश पटवा आज जो हमारे बीच में नहीं है, आज मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अभी कुछ महीने पहले उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन एक लंबे समय तक उन्होंने होलिका दहन समिति को नेतृत्व दिया था और इस परंपरा को जीवित रखा।
आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कि आज ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, होलिका दहन के लिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग नगर क्षेत्र में जो परंपरागत रूप होगा उसका पालन करते हुए इस शोभा यात्रा का भाग बनेंगे। कहीं भी कोई ऐसा कृत्य न हो